नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीड से 190। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके जैसे चक निशान पड़ जाते हैं, स्क्रैच मार्क्स पड़ जाते हैं। तो उस केस में कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी दिक्कतें होती हैं, या फिर कुछ लोगों में जैसे बहुत ज़्यादा जिनको दाद हो जाता है या फिर कहीं पर खुजलाहट हो रही है तो खुजला देते हैं, तो वहाँ पर मार्क्स पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर कौन से दवा का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके और उससे आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, चाहे महिलाएँ हों चाहे पुरुष हों, सभी लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। महिलाओं में अधिकांश प्रॉब्लम ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है और या फिर कहीं पे दाद हो गया है, वहाँ पे खुजला दिया, फिर कहीं पे खुजली हो रही तो वहाँ पे बार बार खुजलाने से वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, या फिर वहाँ की जो स्किन है वो पतली हो जाती है, वो एक धारी की तरह पड़ जाती है। तो वहाँ पे कौन से क्रीम का या फिर कौन से आयल का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटा का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उनको कौन से क्रीम का या फिर कौन से आयल का प्रयोग करना चाहिए। तो आयल जो आता है उसका नाम स्केच मार्क्स स्कार आयल, रिमूवल आयल। तो इस आयल का आपको फोटो भी दिखा देंगे और इसका लिंक भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। फिर स्क्रैच मिन के नाम से एक क्रीम आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं वहां पे जहां पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह के निशान पड़ गए हैं खुजली के कारण, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान पेट में इस तरह के निशान हो जाते हैं, या फिर खुजली में कहीं पे भी बॉडी के ऊपर निशान पड़ जाते हैं इस तरह के खुजलाने से, तो वहाँ पे अगर स्केच मार्क्स क्रीम का प्रयोग किया जाता है, स्केच मार्क्स स्कार रिमूवल आयल का प्रयोग किया जाता है तो रिस्पांस अच्छा मिलता है। या फिर अगर आप क्रीम का भी चाहें तो स्केच मिन के नाम से आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। स्केच मिन जो आता है ये लिपोर्ट कंपनी की क्रीम है, ये आपको सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। जो स्केच मार्क्स आयल है ये भी आपको सभी मेडिकल स्टोर उपलब्ध मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका प्रयोग आपको रात में एक समय लगाना है, दोनों टाइम नहीं लगाना है। और रात में जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो नहाने के बाद में आप रात में आराम से लगा के और उसके बाद में सो जाइए। और दिन में इसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा पसीने होते हैं तो वहाँ पे ये आपको रिस्पांस नहीं देगा। और अगर ठंडी के मौसम में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे आप दोनों समय प्रयोग कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में प्रयोग किया जाता है तो दिन में काफ़ी ज़्यादा पसीने होते हैं, तो इसीलिए रात में ही प्रयोग करें ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। तो इसका प्रयोग लगभग 7 से लेकर 14 दिनों तक प्रयोग करना होता है और इतने ही दिनों में आपको रिस्पांस अच्छा देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप ये सारे क्रीम्स का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप विटामिन ई के कैप्सूल का, एलोवेरा जेल का और इन सारी चीज़ों का अगर आप और नारियल के तेल का एक में मिक्स करके और जहाँ पे भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हुई वहाँ पे अगर आप लगाते हैं, ये घरेलू नुस्खा है, तो वहाँ पे आपको जो है रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है और आपके सारे जो स्केच मार्क्स हैं वो सही हो जाएंगे। बट अगर आप क्रीम या आयल का प्रयोग करना चाहते हैं तो जो हमने आपको बताया है स्केच मार्क्स इसका रिमूवल आयल आता है और स्केच मिन के नाम से एक क्रीम आती है, उसका आप प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट जो है आपको 100% अच्छा देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और अगर कोई जानकारी छूट गई हो जो हमने आपके साथ में ना प्रोवाइड की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया प्रोडक्ट साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।